आज मैं करने जा रही हूँ आपके लिए कक्षा 11 के अंतरा पाठ्य पुस्तक के पाठ ईदगाह का सारांश। इस पाठ के रचयिता हैं या इस कहानी के रचयिता हैं मुंशी प्रेमचंद जी। तो कुछ बातें पहले मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी जिले के लम्ही ग्राम में हुआ था और उनका मूल नाम जो था वो धनपत राय था। इसके बाद में देख लेते हैं कि इनके इन्होंने अपने लेखक की शुरुआत पहले उर्दू में की थी, जो कि नवाब राय नाम से इन्होंने की थी, और बाद में ये हिंदी में लिखने लगे। और इनकी प्रमुख कृतियां हैं मानसरोवर, निर्मला, सेवा सदन, संग्राम, करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी आदि। ईदगाह जो है वो इनकी कहानी है, और इसमें ईद जैसा जो त्योहार है वो उसका आधार बनाकर मुंशी प्रेमचंद जी ईद की पृष्ठभूमि में एक छोटे बच्चे की कहानी प्रस्तुत करते हैं, जो कि मुस्लिम बच्चा है और अपनी दादी के साथ अकेला रहता है। उसके माता पिता की मौत हो चुकी है और ये बच्चा जो है वो अपनी दादी को लेकर कितना भावुक है और कितना अपनी दादी के करीब है, इस बातों को इसमें दर्शाया गया है। और किस तरह एक छोटा सा बच्चा अपना त्याग और बलिदान के द्वारा अपनी दादी का दिल जीतता है, यह इस कहानी में बताया गया है। तो इसमें पहले मुंशी प्रेमचंद जी जो हैं वो ईद का माहौल पेश करते हैं, जिसमें गांव की ग्रामीण मुस्लिम पृष्ठभूमि ली गई है। इसमें जो है लोग जैसे तैसे करके हर त्योहार पर बड़े उत्साह से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं और अपने बच्चों की सब इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, ये सब इसमें बताया गया है। चाहे लोगों को किसी से पैसा उधार लेके अपनी खुशियां पूरी करनी पड़े, या मतलब सभी पृष्ठभूमि के गरीब अमीर सब तरह के लोग जो हैं, लेकिन त्योहार सभी उसी उत्साह से मनाते हैं जैसा कि मतलब गरीब लोग भी उसी उत्साह से मनाते हैं जैसा कि अमीर लोग। अब इसमें बात आती है उस बच्चे हामिद की, जो कि इस कहानी का नायक है। तो हामिद की बात आती है, हामिद जो है उसकी माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, और क्योंकि उसके पिता जो है वो गत वर्ष हैजे से उसकी मौत हो गई, और उसके बाद धीरे धीरे माता भी कमजोर होती होती मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब जो हामिद है वो और उसकी दादी अमीना, वही दोनों एक दूसरे के सहारे हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अमीना हामिद को बहुत ही प्यार से रखती है, और उसे ईदगाह जाने के लिए, ईद का जो मेला लगता है जहाँ ईदगाह में जाके लोग नमाज करते हैं उसके बारे में बात की गई है, वहां पे हामिद तो क्योंकि घर में अकेला वही था, और तो उसे और लोगों के साथ जाना था, जिसकी वजह से उसकी दादी थोड़ी चिंतित भी थी, क्योंकि बाकी सबके साथ उनके बाप होंगे, तो ये सब सोच के दादी बड़ी परेशान हो रही थी। और दादी ने उसे 3 पैसे खर्चने के लिए दिए। आगे चल के ईदगाह का जो है दृश्य बड़ा ही सजीव चित्रण करते हैं मुंशी प्रेमचंद जी ईदगाह के दृश्य का। इमली के वृक्षों से ढका हुआ, और उसके बाद कतार में खड़े होके लोग नमाज पढ़ते हैं, और जब नमाज पूरी हो जाती है तो उसके बाद जो है उसके बाद असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि उसके बाद जो है बच्चों का सारा दृश्य दिखाया जाता है कि बच्चे ईदगाह में नमाज के बाद जो बच्चे हैं वो मेले में जाने के लिए फिर आजाद हैं, मेले में घूमने के लिए। तो हामिद भी दूसरे बच्चों के साथ घूम रहा है, जेब में केवल 3 पैसे लेकर, बाकी बच्चे कुछ लेके खा रहे हैं, हलवाइयों की दुकानें आती हैं, हामिद का जी ललचाता है, मगर इसमें बड़ी ही चतुरता से वह इन इच्छाओं को नकार देता है, ये कहकर कि मिठाइयाँ सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। फिर खिलौनों की दुकान आती है, तो वह यहाँ भी वह बड़ी चपलता से इस बात को नकार देता है, जब बाकी सब बच्चे खिलौने ले रहे होते हैं। अंदर से इस बच्चे का भी मन कर रहा होता है, देखिए स्वभावगत तो वो बच्चे वाली बाल सुलभ उसकी इच्छाएं तो रहेंगी, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि वह अपने 3 पैसों को व्यर्थ नहीं करेगा खर्च। और इस तरह से वो जहाँ खिलौनों की दुकान आती है तब भी वह वहां से भी आगे निकल जाता है, ये कहते हुए कि खिलौने तो सब मिट्टी के बने हुए हैं। और फिर जैसा कि उसकी दादी ने उसे नकली कहानी सुनाई हुई होती है कि उसके अम्मी अब्बा जो हैं वो उसके लिए बहुत सारी चीजें लेने बाहर गए हुए हैं, और इस तरह से तो वह सोचता है कि वैसे भी जब उसके अम्मी अब्बा आएंगे तो उसके लिए वैसे भी ढेर सारे खिलौने लेके आएंगे, तो उसे खिलौने खरीदने में अपने पैसे व्यर्थ करने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह से चलते चलते आगे चल के हामिद पहुंच जाता है लोहे के जो सामान होता है, जहाँ लोहे का सामान मिलता है वैसे लोहे की दुकान में पहुंच जाता है वो, और वहां पर वो देखता है कि और सामानों के साथ
कई सारे चिमटे रखे हुए थे। तो अचानक उसे याद आता है कि उसकी दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटी उतारती है दादी तो हाथ जल जाता है ना। तो वह सोचता है कि क्यों ना वो दादी के लिए एक चिमटा लेके चला जाए, क्योंकि ये तो इस पैसे का सार्थक उपयोग होगा उसे लगता है, क्योंकि दादी के हाथ जलना बंद हो जाएंगे, रोटी अच्छे से सिक पाएगी। और इस तरह से तो रोज उसकी दादी के जो हाथ जल जाते हैं, वह हामिद सोचता है कि नहीं, वह इससे चिमटा खरीदेगा और ले जाके अपनी दादी को देगा, जिससे कि दादी हमेशा के लिए मतलब सुखी हो जाए और उनका हाथ जलना बंद हो जाए। और ये जो बाकी बच्चे, फिर यहाँ भी वह अपने आप को जो है बड़े ही अच्छे तरीके से अपने आप को आश्वस्त करता है, यह कहकर कि ये सब बाकी लोग जो बाकी बच्चे लोग हैं, ये जब ले मतलब खिलौने और मिठाइयाँ जो खरीद रहे हैं, क्या इनके लिए इनको शाबाशी मिलेगी? नहीं ना, लेकिन मैं चिमटा ले जाके दूंगा तो दादी का दिल अंदर से बड़ी दुआएं देगा मुझे, और गांव में जो भी सुनेगा वह भी कितना अच्छा कहेगा कि हामिद कितना अच्छा बच्चा है। इस तरह की बाल सुलभ बातों से वह अपने आप को आश्वस्त करता है, और दुकानदार से थोड़ा सा मोल भाव करके वो उस चिमटे को खरीद लेता है। जब सब लोग घर आते हैं तो आगे दिखाया जाता है कि जो खिलौने होते हैं मिट्टी के बने हुए, तो किसी बच्चे का आते आते टूट जाता है, कोई कभी किसी बच्चे का एक दो दिन में टूट जाता है, लेकिन हामिद जो है, जो चिमटा लेकर आता है, वह मतलब उन सब से जीत जाता है। हामिद की बाल सुलभ जो उसकी कल्पनाएं होती हैं, उसमें वह देखता है कि बाकी सब बच्चों के खिलौने तहस नहस हो चुके हैं, लेकिन उसका जो चिमटा है, क्योंकि वो लोहे का बना हुआ मजबूत चिमटा है, इसलिए वह बच के निकल जाता है सब चीज से। तो इस तरह से वह अपने आप को बहुत आश्वस्त करता है और बड़ा ही खुश होता है। फिर जब वह घर पहुंचता है तो दादी दौड़ी दौड़ी जाती है उसके पास और उसको गोद में उठा लेती है। फिर उसके हाथ में चिमटा देखकर दादी चौंक जाती है, तो वो बोलती है कि ये चिमटा, तो वो बोलता है कि मैंने मोल लिया है 3 पैसे में। ये सुनकर अमीना अपनी छाती पीट लेती है, सोचती है कितना नादान लड़का है, दोपहर तक किसने ना कुछ खाया पिया। तो वो पूछती है गुस्से से कि ये लोहे का चिमटा क्यों उठा के लाए हो, सारा पैसा तुमने इसमें लगा दिया, कुछ खाने पीने के लिए दिए थे मैंने तो तुम्हें पैसे। लेकिन वह बड़ी हुई बाल सुलभ उससे जवाब देता है भावना से कि दादी, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी ना, इसलिए मैंने इसे लिया। ये सुनते ही अमीना का क्रोध जो था, बुढ़िया का जो क्रोध था, वो तुरंत से स्नेह में बदल गया। उसकी जो मतलब मूक स्नेह और ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ, बच्चे का त्याग, बच्चे का सद्भाव और बच्चे की जो सोचने समझने की क्षमता, जिसे विवेक कहते हैं, वह देखकर दादी गदगद हो उठती है। और दूसरों के खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर जो उसका मन ललचाया होगा, इस सब चीजों की कल्पना करके दादी मतलब अपने आप को रोक नहीं पाती है। और आगे लेखक बताते हैं, मैं बताते हैं कि पल भर में ही इतनी समझदारी दिखाने की वजह से जो हामिद, जो कि बच्चा था, वह तो एक पल के लिए बूढ़ा बन गया, क्योंकि उसने उस बाल सुलभ आयु में भी अपनी दादी का ख्याल रखा। और दादी जो थी, वह इतना प्यार और इतनी परवाह देखकर गदगद हो गई और भाव बहुत ही भावुक हो गई, और एक बच्ची की तरह रोने लग जाती है दादी, और अपना दामन फैला फैला के उसे दुआएं देती जाती है। लेकिन हामिद तो बच्चा था, वह नहीं समझ पा रहा था कि दादी इस तरह क्यों कर रही है। धन्यवाद।